इस मॉड्यूल में हम फाइलम एकाइनोडरमेटा के इम्पॉर्टेंट सिस्टम यानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम्स को सीक कम्बर्स में डिस्कस करेंगे अब इसके बॉडी पार्ट्स जो हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम के वही हैं जो कि हमने प्रीवियस एनिमल्स में देखे इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो कि वाटर की ओपनिंग को अलाउ करता है दैट इज़ द मेड्रेपोराइट मेडरेपोराइट सीक कम्बर्स में इंटरनल है एंड द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज़ नॉर्मली फिल्ड विद द सिलोमिक फ्लूड अब मेडरेपोराइड के बाद जो इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की कैनाल वाटर वेस्कुलर सिस्टम को बनाती हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैनाल इज़ द रिंग कैनाल रिंग कैनाल इज़ एंड सर्कलिंग द ओरल एंड ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गिवस राइस टो अनदर स्ट्रक्चर विच आर नोन एज पोलियन वेजिकल्स दिज पोलियन वेजिकल्स आर वन टू टेन इन नंबर फिर रिंग कैनाल से और जो अनदर कैनाल रेडियट करती हैं उनको हम कहते हैं रेडियल कैनाल्स रेडियल कैनाल्स आर फाइव इन नंबर एंड रेडियल कैनाल्स लीड द टेंटिकल्स ब्रांच फ्राम द यानी इन रिंग कैनाल से टेंटिकल्स जो हैं वो रे रेडियल कैनाल्स और ट्यूब फीट with their suction cups and ampullae run between the oral and aboral surfaces. Then the Cucumber hai, iski side which is resting on the substrate. This contains three to five rows of tube feet, tube feet as you know, these are having suction the tube feet are having structures that are used for अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम अब इसमें टू फीट की टू रोज जो कि अपर सरफेस हैं दे मे बी रिड्यूस्ड इन साइड्स आर समाइम्स दे कैन बी एबसेंट ऑल्सो अब मेड्रेपोराइड प्रेजेंट है दिस लाइज विद इन द बॉडी कैविटी एंड इट्स लोकेशन इज जस्ट बिलो द फेरेंग स्टोन कैनाल जो है दैट इज रेलेटिवली शॉर्ट इन सी कंबर एज कंपेयर टू sea star and brittle star here diagrammatic representation of water vascular system of sea cucumber this is the medreporite medreporite is leading into the stone canal stone canal is smaller then stone canal leads to the ring canal ring canal is little bit larger as compared to that of the stone canal and the structure associated to ring canals are the polyan vesicles. Polyan vesicles are 1 to 10 in number. So, this is the uh, simple water vascular system of sea cucumber. It is having some of the structures that are missing in sea urchin, but they were present in sea star and in brittle star.